ओम शांति। बाबा ने हम सभी को एक बहुत बड़ा काम दे दिया है कि बच्चे तुम्हें इस संसार में शांति का साम्राज्य स्थापित करना है। हम जानते हैं पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। अगर किसी के जीवन में शांति नहीं तो अवश्य कहीं ना कहीं पवित्रता में कमी है। हम ध्यान दें, हमें शांति स्थापित करनी है तो अपने किसी स्वभाव संस्कार से या अपने इरिटेशन और क्रोध की नेचर से हमें घरों में अशांति पैदा नहीं करनी है। हमें किसी भी संगठन में अपने क्रोध और अहम के कारण अशांति पैदा नहीं करनी है। जितना हम शांत चित्त होंगे उतना ही हम भगवान के सहयोगी होंगे। और शांति का जहां पवित्रता आधार है वहीं आधार है देह से न्यारेपन की स्थिति। जैसे जैसे हम देह से न्यारे होते जाएंगे हमारी अंदर की शांति बढ़ती जाएगी। तो आइए आज हम सभी संकल्प करें, मुझे स्वयं को क्रोध से मुक्त रखना है, छोटी बातों में इरिटेट नहीं होना है और दूसरों को ऐसा भी नहीं बोलना है कि दूसरे भी क्रोधित हो जाएं। दोनों चीज़ों पर ध्यान रखना है। कोई हमारे सामने उल्टा सुलटा बोलता है तो हमें क्रोध आ जाता है, कोई हमारे सामने झूठ बोलता है तो हमें क्रोध आ जाता है। इससे हमें बचना है क्योंकि क्रोध हमारी सूक्ष्म शक्तियों को नष्ट कर देता है। क्रोध हमारे विवेक को खाने लगता है। जिस मनुष्य को क्रोध आता है उसकी विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है, उस समय उसकी पावर ऑफ जजमेंट भी समाप्त हो जाती है, बोल पर भी कंट्रोल समाप्त हो जाता है। वो अपनों को ही कुछ भी बोल देता है, उसके मन से सम्मान की भावना भी समाप्त हो जाती है और उसकी जिव्या से सरस्वती विदा ले लेती है। क्रोध उसकी जिव्या पर सवार हो जाता है, मानो भूत उसकी जिव्या पर सवार हो गया। तो हम सभी जो ज्ञानी हैं, जो योगी हैं, जिन्हें संसार अपने आदर्श रूप में देखना चाहता है, जिन्हें अपने चेहरे और चलन से बाबा का नाम रोशन करना है, उन्हें क्रोध मुक्त जीवन बनाने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। अपने क्रोध को मान्यता नहीं दे देनी चाहिए कि इस परिस्थिति में तो क्रोध आएगा ही, मुझे तो क्रोध आता ही है, क्रोध तो मेरा संस्कार बन गया है। नहीं, मेरा संस्कार क्रोध नहीं, मेरा संस्कार तो शांति और प्रेम है। ये तो रावण की संपदा है, ये मेरी नहीं। मुझे क्रोध क्यों आएगा इन परिस्थितियों में? मुझे क्रोध आएगा तो मुझ में और संसार के लोगों में अंतर ही क्या रहेगा? तो ध्यान दें, हमें क्रोध मुक्त जीवन जीना है। इसके लिए चेक करना है मुझे क्रोध किन परिस्थितियों में आता है। जिन परिस्थितियों में क्रोध आता है उसको अवॉइड करने के लिए एक ज्ञान का सुंदर पॉइंट रखना है और ध्यान देना है, धैर्य से ही क्रोध को जीता जाता है। तुरंत रिएक्ट करने की आदत क्रोधित कर देती है। नो रिएक्शन, रिएक्ट करना है तो 10 सेकंड बाद करना है। ऐसी प्रैक्टिस सभी अपने अंदर डालते चलें। दूसरा, सवेरे उठते ही 5 बार सच्चे मन से संकल्प करें, मैं विजयी रतन हूँ, क्रोध मुक्त हूँ, मेरा चित्त शांत हो गया है, मैं विजय रतन हूँ, क्रोध मुक्त हूँ, मेरा चित्त शांत हो गया है। इससे सवेरे सवेरे यदि उठते ही अभ्यास कर लिया जाएगा तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड इन तीनों चीजों को स्वीकार कर लेगा कि हम विजयी हैं, हम क्रोध मुक्त हैं, हम शांत हैं, और ये तीनों चीजें हमारे जीवन में बढ़ती चली जाएंगी। तो आज सारा दिन हमें शरीरी होने की प्रैक्टिस करेंगे, स्वयं को चमकती हुई मणि भ्रकुटी की कुटिया में देखेंगे और संकल्प
देंगे। मैं श्याम स्वरूप हूँ, मैं शांत हूँ, मेरा संस्कार शांति है, क्रोध मेरा संस्कार नहीं है। इस तरह के अभ्यास से अपने जीवन में हम क्रोध मुक्त होंगे और गहन साइलेंस की अनुभूति होगी। ओम शांति।